नमस्ते बच्चों, आपको इस वीडियो में आज मैं सबसे छोटी हूँ कविता का भावार्थ सारांश समझाने जा रही हूँ। ये जो कविता है कक्षा चौथी की किताब में से लिया गया है। कविता का नंबर है 1313 यानी कि 13। इस कविता में जो एक छोटी बच्ची है वो अपनी भावनाओं को यानी अपनी फीलिंग्स को अपनी मदर के साथ शेयर कर रही है कि वो हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। ऐसा क्यों? तो आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं। कविता का पहला पैरा पढ़ते हैं हम। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। तो इस पैरे से ये जो बच्ची है वो अपनी माँ को कह रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ माँ। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी हूँ तभी तो तुम्हारी गोद में रहूँगी और छोटे में ही आप मुझे बहुत प्यार करोगे, आप मुझे अच्छे से खाना खिलाओगे, मैं हमेशा आपके आंचल में ही रहना चाहती हूँ। हम छोटे होते हैं तभी हमारी माँ हमें गोद में लेके खेलती है हमारे साथ। तो ये जो बच्ची है ये ऐसा ही कह रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ माँ, ताकि आप मुझे हमेशा गोद में लेके फिरो, आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर चलो और मेरा हाथ आप कभी न छोड़ो। ये आपने भी देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम चलना सीख रहे होते हैं, जब हम चलना भी सीख जाते हैं फिर भी हम कक्षा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम तब छोटे ही बच्चे माने जाते हैं, तब तक जो है वो हमारी जो माँ है वो हमारा हाथ पकड़ के ही हमेशा चलती है। हमेशा डरती है कि कहीं हाथ छोड़ देंगे तो हम कहीं गिर जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे। सो बच्ची यही कहती है कि माँ मैं हमेशा छोटा बच्चा बनकर रहना चाहती हूँ। सो अभी हम बढ़ते हैं अगले पैरा की तरफ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाते हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। सो यहाँ जो है अब वो बच्ची है रीज़न बता रही है कि मैं क्यों बड़ी नहीं होना चाहती। वो बताती है कि जब मैं अभी छोटी हूँ तो मुझे खाना आप अपने हाथों से खिलाते हो, उसके बाद मेरा मुंह धुलाते हो, अगर खेलते समय हाथ पैर में धूल मिट्टी लग जाते हैं मीन्स डस्ट होता है तो वो आप ही क्लीन करते हो, इतना आप मेरा अच्छे से ध्यान रखते हो, मुझे परियों की कहानी सुनाते हो। सो यही सब बातें हैं उसका जो है, उस बच्ची को डर है कि बड़ी हो जाएगी तो ये सब काम मम्मी मेरे लिए नहीं करेगी। तो जब तक हम छोटे हैं तो मैं निस्प्रह मतलब मैं किसी को दिखाई नहीं दूँ, बस आपके आंचल में छिपी रहूँ, निर्भय का मतलब बिना किसी डर के मैं एकदम बिंदास हूँ जब तक छोटी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊँगी तो सारा मेरा ध्यान रखना, खाना खाना सब कुछ मुझे ही खुद करना पड़ेगा, आप मेरी केयर नहीं करोगे। सो इसीलिए वो जो बच्ची है वो अपनी माँ को ऐसा कहती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा नहीं होना है। सो मुझे अभी लगता है बच्चों कि आपको ये कविता समझ आई होगी। आप भी छोटे बच्चे हैं, आप भी ज़रा सोच के देखिए कि अभी आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं छोटे रहने पर, और बड़े होने के बाद आपको क्या बेनिफिट होंगे, आप छोटे में और बड़े में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा आपके मम्मी के बिहेवियर में। मम्मी का बिहेवियर
तो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि जो मम्मी का प्यार है, मॉम का जो लव है, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए चेंज नहीं होता है। बिहेवियर क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि हम लाइफ में आगे भी हमेशा किसी के सपोर्ट का वेट ना करें, हम खुद पे आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सके, इसीलिए वो ऐसा करती है। सो, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके मन में किसी भी हिंदी टॉपिक को लेके कोई भी डाउट है, तो फ्री होके आराम से मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँ।